कैडेट्स, मैं आराम से करूं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं आपके अपने YouTube चैनल एनसीसी मित्र पर एक नए लेसन के साथ, जिसका शीर्षक है फायर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि बहुत ही अहमियत वाला लेसन है। लेसन शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया। साथ ही आपसे अनुरोध है, नीचे बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में पक्का अपने सुझाव और क्वेरीज को दाखिल करें। आइए बढ़ते हैं अपने नए लेसन फायर कंट्रोल ऑर्डर्स की तरफ। कैडेट्स, लड़ाई के दौरान एमिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लड़ाई में और किसी चीज की अहमियत हो ना हो, लेकिन लड़ाई में एमिनेशन की बहुत अहमियत होती है। इसलिए हमसे कहा जाता है कि हम ट्रेनिंग इस प्रकार से करें, फायरिंग इस प्रकार से करें कि एक एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल हो। लेकिन ये करने के लिए आपके साथ बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है, जिसमें एक कमांडर के तौर पर फायर कंट्रोल ऑर्डर की जिम्मेदारी है। तो ये किस प्रकार से काम आती है, ये हम इस लेसन में समझेंगे। इसे मैंने चार भागों में बांटा है, जिसमें पहले में हम फायर कंट्रोल ऑर्डर की अहमियत को समझेंगे, भाग दो से हम कुछ जरूरी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, भाग तीन में हम फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब के बारे में जानेंगे और भाग नंबर चार में हम फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फायर कंट्रोल ऑर्डर की अहमियत क्या है। कैडेट्स, लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी अहमियत होती है सरप्राइज की, यानी चाहे हम डिफेंस में हो चाहे हम अटैक में जा रहे हो, हम दुश्मन के खिलाफ जितना सरप्राइज रख सकें, अपनी मौजूदगी को हम जहां तक छुपा सके उतना जरूरी है। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर में ये चीज है कि जब हम एडवांस की तरफ एडवांस करते हैं तो एडवांस में सरप्राइज थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब डिफेंस में होते हैं, डिफेंस में हमें सरप्राइज की बहुत अहमियत है। डिफेंस सरप्राइज की अहमियत इसलिए कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम दुश्मन को जितना नजदीक हो सकता है आने दें, ताकि हम पूरे हथियारों का मिलकर एक कंबाइंड फायर, एक कंबाइंड फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं, दुश्मन को हम जल्दी से जल्दी नेस्तनाबूद कर सकें। इसके अलावा फायर कंट्रोल ऑर्डर के दौरान एक कमांडर के ध्यान रखने वाली चीज ये भी है कि डिफेंस के दौरान जो हमारे डिफेंस में बैठे सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, उनको रात के समय हो सकता है उनकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना हो, उनकी परसेप्शन थोड़ी अच्छी ना हो, वो थके हुए होते हैं, थोड़ा सहमे होते हैं, तो उस हालत में वो हो सकता है कि फायर डिसिप्लिन पर ख्याल ना रख पाए। तो इस समय फायर कंट्रोल ऑर्डर के तौर पर एक कमांडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा हो सकता है तो आपने इतना अच्छा सरप्राइज काम रखा हो कि दुश्मन के पेट्रोल जो कि आपकी पोजीशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो दूर से ही लॉन्ग रेंज से ही आप पर फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि घबरा कर आपका कोई जवान फायर ना कर दे, ताकि आपकी फायर पोजीशन चाहे ना। तो आप देख सकते हैं कि फायर कंट्रोल ऑर्डर की सबसे बड़ी जो अहमियत है, चाहे वो डिफेंस हो चाहे अटैक हो, उसमें उसकी फायर डिसिप्लिन को कायम रखने की है। यहाँ पर अपने भाग एक समाप्त, भाग नंबर में दो में लेते हैं जरूरी परिभाषा। इसमें सबसे पहली है फायर यूनिट। फायर यूनिट एक वो टुकड़ी होती है जो किसी फायर यूनिट कमांडर के आदेश के नीचे फायर खोलती और बंद करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक सेक्शन कमांडर फायर कमांडर है, तो उसकी जो सेक्शन उसका जो सेक्शन है वो एक फायर यूनिट है जो उसके आदेश पर फायर खोलेगी और बंद करेगी। फायर डायरेक्शन ऑर्डर। फायर डायरेक्शन ऑर्डर एक फायर यूनिट कमांडर को अपने से सुपीरियर कमांडर से मिलने वाला आदेश है, जिसमें उसे क्लियर बताया जाता है कि किस हथियार से किस टारगेट पर कितनी इंटेंसिटी के साथ फायर खोला जाएगा। फायर डायरेक्शन ऑर्डर मिलने के बाद ही एक फायर यूनिट कमांडर अपने फायर कंट्रोल ऑर्डर देता है। तीसरी चीज है फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल आदेश वो आदेश होते हैं जो एक फायर यूनिट कमांडर अपनी फायर यूनिट को फायर खोलने के लिए और फायर बंद करने के लिए देता है। बिना उसके आदेश के ना फायर खोला जाएगा ना फायर बंद किया जाएगा। अगर आप देखें तो फायर यूनिट कमांडर वो जो आदेश अपने से ऊपर वाले से मिल रहे हैं वो फायर डायरेक्शन ऑर्डर है, वही आदेश जब अपने नीचे वालों को दे रहा है तो वो फायर कंट्रोल ऑर्डर है। जैसे सेक्शन कमांडर को अपने प्लाटून कमांडर से जब आदेश मिलता है वो प्लाटून कमांडर के लिए फायर डायरेक्शन ऑर्डर है, और फायर यूनिट कमांडर यानी सेक्शन कमांडर जब उसी आदेश को अपने नीचे वाले कमांडर को नीचे वाले जवानों को देता है तो उसके लिए फायर कंट्रोल ऑर्डर। चौथी चीज है आर्को फायर। आर्को फायर अमूमन एक हथियार या एक सैनिक की जिम्मेदारी होती है जब डिफेंस के दौरान उसे जिम्मेदारी दी जाती है दाएं हाथ और बाएं हाथ के बीच में आने वाले दुश्मन, यानी लड़ाई के इलाके में जब हम खासकर डिफेंस में जब खड़े होते हैं तो उस इलाके को आप 360 डिग्री मान लीजिए, 360 डिग्री में मानेंगे तो हर डिग्री पे हमने जिम्मेदारी बांट रखी होती है। तो एक जवान का हो सकता है जो दाएं हाथ है और दूसरे वाले जवान का बाएं हाथ, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस बाएं हाथ और दाएं हाथ के बीच में आने वाले किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करना उसकी जिम्मेदारी है। तो जहां तक आदेश है स्पष्ट है कि आप ये बातें समझ गए। अब इसके दौरान भी एक
कमांडर का एक सोच विचार होता है जब भी वो फायर कंट्रोल देता है, उससे पहले नंबर एक चीज है कि इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी कि उसने, उसको यकीन करना चाहिए कि उसने अपने जवानों को टारगेट को अच्छी प्रकार से इंडिकेट कर दिया है, क्या उसके जवान अच्छी प्रकार से टारगेट को समझ चुके हैं कि किस टारगेट पर फायर करना है। नंबर दो होती है रेंज, जब उसे फायर कंट्रोल देना है तो उसे यह मालूम होना चाहिए क्या यह रेंज उस हथियार का फायर खोलने के लिए उपयुक्त है। यू तो एक सेक्शन में एलएमजी सबसे दूर तक फायर करने वाला हथियार होता है, लेकिन एक फायर कमांडर, एक फायर विंग कमांडर होने के नाते एक सेक्शन कमांडर को चाहिए कि वो इस रेंज, ऐसी रेंज पर फायर खोलने का आदेश दे जब एलएमजी और राइफल मिलकर एक साथ फायर कर सकें और भारी तादाद में दुश्मन को बर्बाद कर सकें। तीसरी चीज है बेस्ट वेपन, यानी कि हथियार से फायर खोला जाए। तो मैंने सबको बताया यू तो एलएमजी का फायर, एलएमजी सबसे अहम हथियार है, लेकिन फिर भी कमांडर को सोचना चाहिए कि ऐसी दोनों की सभी हथियार का मिलकर इस तरह से फायर खोला जाए कि दुश्मन बर्बाद हो जाए। अगर वो एलएमजी की रेंज, 700 की रेंज पर अगर फायर खोल देता है तो सिर्फ एलएमजी से ही वो क्या कर फायर कर पाएगा, और एलएमजी की भी सेक्शन एक ही होती है तो उसके नुकसान करने की क्षमता काफी कम हो जाएगी। उसको हो सकता है कि वो 400 या 300 मीटर को फायर करवाए ताकि एलएमजी और राइफल मिलकर एक साथ मिलकर कलेक्टिव नुकसान कर सके। चौथी चीज है उसके ध्यान रखने वाली कि उसे जिस भी हथियार से फायर करता है उसका रेट ऑफ फायर क्या होगा, वो बस्ट फायर करेगा, सिंगल शॉट फायर करेगा, और उसमें उसकी रेट ऑफ फायर किस क्या होगी, एक मंजिल करानी, दो मंजिल करानी है पर मिनट के हिसाब से। तो ये उसका सोच विचार है। सोच विचार करते समय उसे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके सेक्शन के जवानों की क्षमता क्या है, उनका उनका जो फायर डिसिप्लिन कैसा है, उनका उनकी फायरिंग किस प्रकार की है। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए जब एक फायर यूनिट कमांडर जब फायर कंट्रोल ऑर्डर देता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि फायर कंट्रोल समय देते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहली बात तो है कि उसे फायर कंट्रोल ऑर्डर साफ साफ ऊंचे लफ्जों में देना है, शांत शब्दों में, ताकि सारे जवान उसे समझ सके। आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि लड़ाई के शोर में भी जवान उसको सुन सके। तीसरी चीज है कि जब वो हुक्म देता है तो उसमें बीच में पॉज होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए, ताकि जवान साथ साथ में कार्रवाई कर सके। और सबसे चौथी जो बड़ी बात है, अहम बात है कि हुक्म हुक्म के तौर पर होना चाहिए, ताकि उसके नीचे काम करने वाले जवानों को बिल्कुल शक न रहे कि उन्हें क्या करना है। तो आप देख सकते हैं जब फायर कंट्रोल ऑर्डर देते समय एक कमांडर को क्या करना है, नंबर एक साफ सहज शब्दों में उसने आदेश देना है, आवाज इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जवान उसकी बातों को सुन सके, पॉज देना है ताकि जवानों को साथ में कार्रवाई करने का मौका मिल सके, और हुक्म के तौर पर देना है ताकि जवानों को किसी प्रकार का कोई शक न रहे। तो यहाँ पर बात नंबर 2 समाप्त होता है। अभी लेते हैं बात नंबर 3 फायर कंट्रोल की तरफ। तो फायर कंट्रोल की तरतीब देने के लिए हमारे पास एक शब्द है, इसको हमने नाम दिया है GRIP। जी का मतलब है ग्रुप, आर का मतलब है रेंज, आई का मतलब है इंडिकेशन, टी का मतलब है टाइप ऑफ फायर। जी ग्रुप, ग्रुप यानी आपकी फायर यूनिट जिसको आप फायर का आदेश देंगे, इस तरह से इस आदेश इस हालत में आप सेक्शन। रेंज यानी आपने कितनी रेंज पर फायर करवाना है, मान लीजिए 300 का मतलब 300 मीटर। आई इंडिकेशन यानी आप अपने दुश्मन के बारे में बताना है, सफेद मकान, सफेद मकान के दाएं तरफ दुश्मन के 5 सोल्जर्स। टी टाइप ऑफ फायर, आपने कौन से टाइप का फायर करवाना है, ऐसा आप बोलेंगे एलएमजी 1 मैगजीन फायर, राइफल ग्रुप 1-1 मैगजीन फायर। तो ये इस प्रकार से आपने इंडिकेशन देना है। अगर इसको आप पूरा एक साथ सुनना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, सेक्शन सामने 300, एक खज्जी का पेड़, खज्जी का पेड़ दाएं, दुश्मन के 6 सैनिक जो कि ओपन में दिखाई दे रहे हैं, एलएमजी ग्रुप 1 मैगजीन बस्ट फायर, राइफल ग्रुप 10-10 राउंड रैपिड फायर। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया, रेट सेक्शन बोला तो इसका मतलब वो ग्रुप है, जब मैंने 300 बोला तो रेंज है, जब मैंने बताया कि खज्जी, खज्जी के दाएं तरफ 6 सोल्जर जो कि ओपन में घूम रहे हैं वो आपका इंडिकेशन है, और जब मैंने बोला कि एलएमजी 1 मैगजीन बस्ट फायर और राइफल ग्रुप 10-10 राउंड रैपिड फायर, तो ये टाइप ऑफ फायर। तो इस बात से आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अभी लेते हैं भाग नंबर 4 टाइप ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर यानी फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरतीब। फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं, तैयारी का फायर कंट्रोल ऑर्डर, फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर जिसमें 2 प्रकार के होते हैं, पहला और पॉइंट,
तीसरा होता है मौके का फायर कंट्रोल ऑर्डर और चौथा है छोटा फायर कंट्रोल। अब इसमें समझिए, जब दुश्मन दूर है उस समय फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसा होगा, जब दुश्मन हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आ गया तो उस समय उसका फायर कंट्रोल ऑर्डर कैसा होगा, दुश्मन फायर होने के बाद इधर भीतर हो गया तो उसका फायर कंट्रोल ऑर्डर हो गया, और दुश्मन एकदम से नजदीक से निकल आया तो फायर कंट्रोल ऑर्डर किस प्रकार से होगा, तो इसको हम इसी में देखते हैं। सबसे पहले आपका तैयारी का फायर कंट्रोल ऑर्डर, ये फायर कंट्रोल ऑर्डर तब दिया जाता है जब दुश्मन अभी हमारी फायरिंग रेंज से बहुत दूर है। इस उदाहरण के तौर पर सेक्शन कमांडर बोलेगा सेक्शन 2000 मीटर दूर बिजली का पायलट, उस तरफ से दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही दुश्मन हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आएगा हुकुम फायर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, तैयारी करवा रहा है। अभी दुश्मन फायरिंग से दूर है तो जब जैसे दुश्मन हमारे फायरिंग रेंज के अंदर आएगा तो हुकुम फायर होगा। ये था जब अभी तैयारी कर रहा है दुश्मन फायरिंग से दूर था, अब आ गया फायर फुल फायर कंट्रोल, यानी अब दुश्मन हमारी फायरिंग रेंज के अंदर आ गया, तब वो बोलेगा सेक्शन सामने 400 मीटर खजूर के पेड़ों का झुंड, खजूर पेड़ के झुंड के दाईं तरफ दुश्मन के 10 सोल्जर, एलएमजी ग्रुप 1 मैगजीन बर्स्ट फायर, राइफल ग्रुप 15 राउंड रैपिड फायर। ये हो गया आपका फुल फायर कंट्रोल ऑर्डर। और फुल फायर कंट्रोल में दुश्मन की पोजीशन को देखते हुए हम दो प्रकार से फायर कंट्रोल देते हैं, नंबर एक फैला हुआ यानी दुश्मन फैला हुआ है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आदेश दे सकते हैं सेक्शन सामने देख 300 मीटर एक सफेद मकान, सफेद मकान के बाईं तरफ खज्जी के पेड़ तक दुश्मन के 8 से 9 सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, एलएमजी ग्रुप 1 मैगजीन बर्स्ट फायर, राइफल ग्रुप 10 राउंड रैपिड फायर। तो यह आपका हो गया फैला हुआ फायर कंट्रोल ऑर्डर। दूसरा आपका पॉइंट टारगेट, यानी बिल्कुल किसी एक जगह पर दुश्मन छुपा हुआ है, एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है तो उस समय फायर कंट्रोल देना, उसमें इस प्रकार से आदेश होगा सेक्शन सामने 300 मीटर सफेद मकान दाएं 2 सोल्जर एलर्जी ग्रुप 15 राउंड बर्स्ट फायर। हो गया, तो ये आपका क्या है पॉइंट ऑफ इट, यानी दुश्मन एक जगह पे जमा है उसको आप फायर कर रहे हैं। अब ये हो गया फुल फायर कंट्रोल, देखो दुश्मन फायर रेंज में आ गया आपने फायर किया, अब उसके बाद होता है कुछ दुश्मन मर गए कुछ दुश्मन भागे छूट गया, तो उसके लिए क्या मिलेगा मौके का फायर कंट्रोल। उसके लिए आप इस प्रकार से आदेश देंगे सेक्शन सामने 300 मीटर फायर होने के बाद कुछ दुश्मन मर गया है कुछ दुश्मन आगे ऊबड़ खाबड़ जमीन में टूटी फूटी जमीन में छुप गया है, जिस जवान को दिखाई देता है हुक्म फायर होगा या जिसको दिखाई देता है वो फायर करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपने क्या किया है, अभी जवानों के ऊपर आपको रुझ लिया कि किस प्रकार से उसने फायर करना है। अब इतना होने के बावजूद भी आप फायर कर रहे थे, हो सकता है आप 200 मीटर की रेंज लगा के फायर कर रहे थे, दुश्मन अचानक से 50 मीटर में निकल गया, तो उसके लिए आपको क्या फायदा मिलेगा छोटा फायर करेगा। सेक्शन 50 मीटर थोड़ा दाएं, इस तरह से लिखते हैं सेक्शन 50 मीटर थोड़ा दाएं नजदीक दुश्मन एम डाउन फायर। अब इसमें आपने क्या करना है कि मतलब कहने का मतलब आप 200 मीटर की रेंज तक करके उसमें फायर करेंगे, अब दुश्मन को 50 मीटर में निकल गया, अगर आप कोई 200 मीटर की रेंज आ गया उसमें सीधा ताकेंगे तो गोली ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि आपकी जो गोली है उसकी जो रेंज है वो ज्यादा है हथियार की, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको कम करने के लिए आपको उसके पैर की तरफ टिक करके गोली चलानी पड़ेगी, तब आपकी जो गोली उसकी छाती पर लगेगी, तो उसके लिए आपको आदेश मिला गया छोटा फायर कंट्रोल। तो यहाँ क्या चौथा भाग समाप्त होता है। तो अभी आपने देखा हमने इस फायर कंट्रोल ऑर्डर में क्या क्या सीखा, फायर कंट्रोल एमएल की सीखी, कुछ जरूरी परिभाषाएं देखी हमने, फायर कंट्रोल की तरकीब देखी और फायर कंट्रोल ऑर्डर के टाइप या प्रकार देखे हमने। तो आप इनके अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फायर कंट्रोल का मुख्य मकसद यही है कि फायर डिसिप्लिन को बरकरार रखा जाए, एमएनसी की बर्बादी को रोका जाए और एक गोली दुश्मन का मुतासिर किया जाए। यहाँ पर आपका यह लेसन समाप्त होता है, आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को इस प्रकार से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, साथ ही नीचे बेल का बटन दबाना भी ना भूलें, साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें आपके सुझावों आपकी क्वेरीज का ध्यान रखिएगा। तो अगले लेसन तक धन्यवाद, जय हिंद।